112 की जो महिला कर्मचारी हैं, जो अब जब डायल 112 पे आप फोन करेंगे, अगर हम लोग शासन प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर न तो ऊपर कोई छत है, फिलहाल पानी वगैरह भी देख पाएंगे, वहाँ पर भी बाटल वगैरह रखा गया पीने के लिए, और खंड बलसी में वैकेंसीज को लेकर के धरना है, वो यहाँ पर चल रहा है, यहीं पर बैठा देंगे, फिलहाल यही है यहाँ का व्यू। और नमस्कार, इसमें हम लोग लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और आपको बता दें कि हम लोग इको गार्डन में हैं, और यहाँ पर एक समझिए कि यहाँ पर धरना स्थल, ये पूरा इको गार्डन समझिए केवल धरना स्थल के लिए बन ही चुका है, और क्योंकि अलग अलग तमाम जो लोग हैं, जो लोग सरकार से नाराज हैं, वो लोग यहाँ पर धरना देते हैं, नाराज भी क्यों ना हो, अपनी मांगे हैं, वो अपनी मांगे रख रहे हैं, मांगों का अपना जो भी चीज़ें हैं, मांगे मांग को मनवाने के लिए वो लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। फिलहाल कुछ दिन से ये देखिए बाजार कुछ ज़्यादा गर्म हो गया, डायल 112 की जो महिला कर्मचारी हैं, जो अब जब डायल 112 पे आप फ़ोन करते होंगे तो उनकी तरफ से बोला जाता है, हेलो आपका डायल 112 में आपका स्वागत है, वहीं सब महिलाएं हैं, देखिए धरना पर बैठी हुई हैं, और 6 तारीख की घटना है, 6 तारीख को सोमवार से धरना लोग का स्टार्ट होता है, और जो है कि 7 तारीख को जो है कि यहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं वो लाते हैं इनको यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये लोग जो है धरना पर बैठी हुई हैं लगातार, और आपको बता दें कि ये धरना इन लोग का अनवरत चलने वाला है, इन लोग का मांग है कि जो हम लोग की सैलरी है वो 12,000 से बढ़ा करके 18,000 किया जाए, यही इनकी मांगे हैं, इन्हीं मांगों को लेकर के ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और साथ ही साथ आप देख पाएंगे अगर हम लोग शासन प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर न तो ऊपर कोई छत है, ना तो कोई टेंट वगैरह है, इस ठंड के मौसम में लोग यहीं पर सो रहे हैं, और देखिए इन लोग पास जो चादर वगैरह जो इनके परिवार वाले लाए हैं वहीं चीज़ें हैं, बगल में वॉशरूम है जो कि अब भर चुका है, और बगल में टैंकी का पानी जो है रखा गया है इन लोग के पीने के लिए, और अगर हम लोग इधर की बात करें तो जो सबके जो कुछ कार्यकर्ता हैं और वो आला कमान से जो उनको निर्देश मिला है, चूँकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था उसके बाद जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और इनके खाने पीने का जो प्रबंध है वो यहाँ पर कर रहे हैं, फिलहाल पानी वगैरह भी देख पाएंगे, वहाँ पर भी बाटल वगैरह रखा गया है पीने के लिए, और खाने पीने की व्यवस्था वो कर रहे हैं। तो देखिए ये सब लोग समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती हैं, और बाकी इधर देखिए कांग्रेस की भी ये जो है कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, ये जो बैठी हुई हैं कांग्रेस की तरफ से आई हैं, और देख सकते हैं पूरी तरह माहौल एकदम लोगों की मांगे हैं, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँची हुई हैं, यह इको गार्डन का नज़ारा, और इसके पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक धरना यहाँ चल रहा था, एक धरना जो है यहाँ पर भी चल रहा है, जो कि UP 80 में वैकेंसीज को लेकर के धरना है वो यहाँ पर चल रहा है, चूँकि उन लोगों का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया, 4 सालों का समय जो है वो व्यतीत हो चुका है, उसी की मांग को लेकर के वहाँ भी धरना किया जा रहा है। फिलहाल देखिए इन लोगों से हमारी तमाम बातें हुई हैं, वो जो है पीके न्यूज ऑफिशियल के हमारे चैनल पर वो चीज़ें अपलोड होंगी, फिलहाल जो कर्मचारी हैं, और ये है सामने गेट, और ये भी एक बात यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है कि जो यहाँ पर देखिए पुलिस के भी तमाम मतलब पुलिस छावनी में इसको तब्दील भी कर दिया गया है, और इन लोग को जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा तो नहीं दी जा रही है, और समझ सकते हैं जब महिलाएं धरना पर हैं तो किन किन मुसीबतों का इन लोग को सामना करना पड़ता होगा, और चूंकि कुछ गर्भवती महिलाएं भी हैं, बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग भी यहीं पर सोचे इकट्ठा हैं, और फिलहाल ये है व्यू इस इको गार्डन का, क्योंकि धरना स्थल ही इसको बना दिया है, क्योंकि आप लखनऊ या कहीं भी यहाँ पर लखनऊ में धरना देंगे तो आपको वहाँ से उठा करके प्रशासन के अधिकारी जो है वो ला करके यहीं पर बैठा देंगे, फिलहाल यही है यहाँ का व्यू, और लोगों की जो मांगे हैं वो मांग देखिए अब कब तक सरकार मानती है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर कवर करने इस चीज़ को पहुँचे हुए थे, तो फिलहाल देखिए हम लोग भी यहाँ से विदा लेंगे क्योंकि शाम का समय हो चुका है, तो हम लोग भी अब यहाँ से निकलने वाले हैं। फिलहाल ऐसे ही और भी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं PK News ऑफिशियल उसका, और जो उसके पीछे का जो सफ़र है वो हमारे इस PK का सफ़र चैनल पर वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, जय हिंद जय भारत।